मुकरवा चौक पर अवैध तरीके से लगने वाली दुकानें जला रही पीडब्ल्यूडी विभाग की बिजली। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुकरवा चौक की है, जहां पर अवैध तरीके से रेहड़ी पटड़ियां व दुकानें लगाई जा रही हैं, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग भी ध्यान नहीं देता। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ से पीडब्ल्यूडी ऑफिस की दूरी चंद कदमों की दूरी पर है और साथ में समयपुर बादली थाने का पुलिस बूथ भी बना हुआ है। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे ही खुलेआम की जा रही है पीडब्ल्यूडी विभाग की बिजली की चोरी। लेकिन इस ओर ना तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ही ध्यान देते हैं और ना ही दिल्ली पुलिस। और जिस जगह ये दुकानें लगी हुई हैं, ये जगह लोगों के खड़ा होने की है, लेकिन इन दुकानों ने अवैध कब्जा कर वहाँ से गुजरने वाले लोगों की भी दिक्कतें बढ़ा दी। साथ ही साथ दुकान के चारों तरफ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड भी लगे हुए नजर आएंगे, जिससे साफ जाहिर होता है अवैध तरीके से कब्जा कराने के लिए दिल्ली पुलिस भी किस तरह बैरिकेडिंग लगाकर दुकानदार का सहयोग कर रही है। जबकि दिन भर में यहाँ से दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी भी गुजरते हैं और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता, जिसके चलते मुकरवा चौक पर अवैध दुकानें तो लगती ही हैं, साथ ही साथ वे अवैध दुकान चलाने वाले लोग पीडब्ल्यूडी विभाग की बिजली की चोरी को भी अंजाम देते हैं, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग तो ध्यान ही नहीं दे रहा, बल्कि दिल्ली पुलिस भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते मुकरवा चौक पर पुलिस बूथ के सामने ही दर्जनों अवैध रेहड़ियाँ लगी हुई हैं।